नागरिकता संशोधन बिल को लेकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में लोगों ने जमकर विरोध किया। हालांकि राज्य में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल कहीं से भी भेदभाव पर आधारित नहीं है। अमित शाह ने साफ किया कि ये बिल अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, दीमापुर को छोड़कर त्रिपुरा, लगभग 70% और लगभग पूरे मेघालय में लागू नहीं होगा। शाह ने लोकसभा में ये भी साफ किया कि नॉर्थ ईस्ट के जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था है, वहां नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में लागू इनर लाइन परमिट क्या है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू करने का मकसद क्या है? इनर लाइन परमिट को सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। इनर लाइन परमिट फिलहाल 3 नॉर्थ ईस्ट राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में लागू है। इन राज्यों में जाने के लिए ILP की जरूरत होती है। इसकी एक तय अवधि है जिसके खत्म होने के बाद बाहरी नागरिक इन राज्यों में नहीं रह सकता। इनर लाइन परमिट की अवधारणा ब्रिटिश सरकार के समय तैयार की गई थी। इनर लाइन परमिट इंटर्न फ्रंटियर विनियम 1873 के तहत जारी किए जाने वाला एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। जब ब्रिटिश सरकार ने यह नियम बनाया था तो उनका मकसद भारतीयों को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से रोककर अपने व्यवसायिक हितों की रक्षा करना था। आजादी के बाद साल 1950 में भारत सरकार ने इसमें बदलाव किया। आजादी के बाद ये नियम स्थानीय आबादी को बड़े पैमाने पर पलायन के हमले से बचने के लिए एक सुरक्षात्मक व्यवस्था में बदल दिया गया। अब इस नियम के मुताबिक इन राज्यों में लंबे समय तक रहने वाले उन निवासियों को भी परमिट की जरूरत पड़ती है जो इन राज्यों में मूल वासी नहीं है। ऐसे लोगों को अपने परमिट को हर 6 महीने में रिन्यू करवाना होता है। यानी नागरिकता संशोधन बिल लागू हो जाने पर भी इनर लाइन परमिट वाले राज्यों में कोई असर नहीं पड़ेगा। नागरिकता संशोधन बिल के तहत लाभार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे लेकिन इन राज्यों में बसने में सक्षम नहीं होंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।